हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल। आज बनाएंगे दही बड़ा। देखिए, उरो दाल को हम 5 घंटा भिगा के रखे थे, उसके बाद उसको पेस्ट बना के रखे हैं। पेस्ट बना के रखे हैं, उसके साथ हम क्या मिलाए हैं, बेकिंग सोडा। हाँ, 1/2 चम्मच टी स्पून से हम मिला के रखें, ओनली 1/2 चम्मच। इसको आधा घंटा रखे हैं, उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा अदरक ग्रेटेड करके रखें, उसको डाल देते हैं। और नमक स्वाद अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। इसको अच्छा तरह मिक्स कर देंगे। उसके बाद पैन में ऑयल डाल के गरम कर देंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम हाथ को थोड़ा सा पानी लगाएंगे, उसके बाद बड़ा बनाएंगे। देखिए, हम ऐसे बड़ा बना रहे हैं। आपको जितना जिस आपको लगेगा, आप स्टाइल अपने हिसाब से बना सकते हैं। कितना फूल गया है बड़ा। इसे बना के खाइए, बहुत टेस्ट लगता है। दूसरे साइड हम एक तड़का बनाएंगे, दही बड़ा में डालेंगे तड़का। इसे पलट देंगे हम। इसको हम पानी में डुबाएंगे,
पानी में थोड़ा नमक डाल देंगे। हो गया हमारे बड़ा बन गया। इसको पानी में डाल लें। ऑयल से जब काम करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं और दूसरे कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे। इसको हम भिगा देंगे ना। ऐसे हाँ आप 5 मिनट रखिए, उसके बाद इसको निकाल देंगे। यहाँ पर हम तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल बहुत टेस्ट होता है। उसके बाद मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा शाही जीरा डालेंगे। मस्टर्ड सीड थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। आप मिर्ची खाएंगे तो आप डाल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद 1 पिंच हींग डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच। देखिए इसमें आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, बीच में जीरा लगा के, जीरा लगा के डाल सकते हैं। कितना सॉफ्ट हो गया। देखिए इसको हम इसमें निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। उसके बाद दही डालेंगे। इसको अप कर देते हैं। इसमें पानी, दही में थोड़ा सा काला नमक और प्लेन नमक डाल ले देंगे। उसके बाद पानी,
इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इसके ऊपर देखिए कैसे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके ऊपर हम तड़का डाल देंगे। देखिए आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना स्पंजी आओ कैसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।